अस्सलाम रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भी एक बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी, जो घर में हर किसी को पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। एक कप हमने लिया है ये मेजरमेंट का मैदा, और इसका ही 1/4 कप ली है हमने पिसी हुई चीनी पाउडर शुगर, 1/4 कप लिया है ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, एक अंडा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा। पहले हम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे, इनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब ये सारी चीज़ें पाउडर शुगर और कुकिंग ऑयल अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें एग ऐड कर देंगे और ये बेकिंग पाउडर, ज़ीरा और नमक, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है, अब हम इसमें मैदा डालेंगे, इसको मैंने छान लिया है। अब ये हमारी डो अच्छी तरह रेडी हो चुकी है, इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे और पतीले को हम चढ़ा देते हैं चूल्हे पे ताकि गर्म हो, हीट अप हो। के रेस्ट के बाद अब हमारी डो रेडी हो चुकी है, अब हम इस तरह का एक सिंपल सा शॉपर लेंगे, इसको हम साइडों से कट कर लेंगे और इस तरह से लेंगे, अब ये डो इसमें फैला देंगे हम। अब हम बेलन की मदद से इसको प्रेस करेंगे, हम इसको इतना ही फैला देंगे और इतना ही मोटा रखेंगे जितने जिस तरह का जीरा बिस्किट का साइज होता है, ना पतला ना मोटा, बस ये अब हमारा एक्यूरेट हो गया है। अब ये हमने एक साँचा लिया है, मेजरमेंट कप लिया है, इसकी मदद से हम इतने से गोल बिस्किट कट कर लेंगे। ये देखिए परफेक्ट। अब ये देखिए इस तरह के हमारे गोल से ज़ीरा बिस्किट बन गए। आप इस तरह का एक ट्रे लें, बेकिंग ट्रे, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी प्लेट और ढकना किसी भी पतीली का ले सकते हैं। अब हम इनको रखेंगे, इस तरह बिल्कुल परफेक्ट साइज़ के हमारे ज़ीरा बिस्किट बने हैं, ना पतले ना मोटे, एग्जैक्ट उसी साइज़ के। ये हमने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है जिसके अंदर स्टैंड रख दी है, अब अच्छी तरह हमारा पैन हीट अप हो चुका है, अब हम इस ट्रे को इसके अंदर रख देंगे। और अब हम इसको ये अच्छी तरह से फॉइल से कवर कर देंगे और ये ढक्कन लगा के इसको बंद करेंगे तकरीबन 20 मिनट तक के लिए, ताकि इसकी हवा बाहर ना आए, और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये जो बाकी की बची डो बच गई थी, हम इसके भी इसी तरह बेल के बिस्किट्स बना लेंगे। मिनट के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे बिस्किट किस तरह बने हैं। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे ज़ीरा बिस्किट बनके रेडी हो गए हैं, इस तरफ से देखिए। अब हम इनको निकाल लेते हैं, दूसरा बैच रख लेते हैं।
तो देखिए हमारे किस तरह से परफेक्ट से ज़ीरा बिस्किट बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें कितने, पीछे से भी देखें किस तरह से क्रिस्पी करारे बने हैं। ये तोड़ के देखें, बिल्कुल बेकरी की तरह बने हैं विदाउट ओवन। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।